नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बायोस्कोप में आप सबों का स्वागत है। तो जिस खबर का इंतजार था कि राज्य सचिव अब ईडी से ये पूछ रही है कि आपने प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों को किस अपराध में समन दिया है बताएं। हम आपको बता दें कि चंद रोज पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तब कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया गया था कि अब किसी भी राज्य सरकार के अधिकारी को अगर ईडी समन भेजती है तो उस अधिकारी को अपने विभाग या प्रमुख को बताना होगा और मंत्रिमंडल निगरानी समिति इस बारे में ईडी से जानकारी हासिल करेगी। तो उस वक्त कई सारे सवाल थे कि ये कैसे होगा, लेकिन अब जब कल कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने राज्य सरकार की तरफ से पत्र लिखा ईडी को और ये पूछा है कि आला अधिकारियों को किस गुनाह में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है बताया जाए, तो यह स्पष्ट हो गया है। राज्य सरकार ने अपने इरादे जता दिए हैं और इसी के साथ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि ये जो शाहमात या दांव पेंच का खेल जो ईडी और राज्य सरकार के बीच चल रहा है उसमें अब आगे क्या होगा। हमारे साथ संवाददाता नीरज है। नीरज, जिस तरह से वंदना डाडेल ने पत्र लिख दिया, लगातार ये सवाल उठ रहा था कि अब क्या होगा, तो वंदना डाडेल ने जो सवाल खड़े किए हैं कि किन किन अधिकारियों को किस अपराध में बुलाया गया है, तो ईडी क्या बताएगी या फिर क्या होगा आगे? देखिए, पत्र लिखा गया है प्रधान सचिव जो है वंदना डाडेल की ओर से, और ये स्पष्टीकरण मांगा गया है कि जितने भी अधिकारी हैं जिन्हें समन करके ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है उनके खिलाफ क्या कुछ मामले दर्ज हैं, क्योंकि लगातार जो है बहुत सारे अधिकारियों को समन कर ईडी कार्यालय बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ किया जा रहा है और इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी जिक्र की है कि बीते दिनों बहुत जगहों पर जो है छापेमारी की गई थी, इससे पहले भी छापेमारी की गई है, लेकिन राज्य सरकार को इसकी सूचना नहीं दी गई है। तो इस बात की भी कहीं ना कहीं जो है स्पष्टता जाहिर करने को कहा है। और देखिए, कुछ मामले जो है जिसकी जिक्र किया गया है और ये कहा गया कि किस शेड्यूल व प्रेडिक्टिव जो प्रेडिकेट ऑफेंस जिसको बोलते हैं शेड्यूल और प्रेडिकेट ऑफेंस में समन भेजा जा रहा है, किस थाने में दर्ज जो है प्राथमिकी है जिसमें धनोपार्जन जो कि अवैध पैसा इकट्ठा करना और पीएमएलए की किस धाराओं के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है, उन बिंदुओं को स्पष्ट नहीं किया गया है। ये तमाम बातें जो है उस पत्र में कहा गया है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा रामनिवास यादव जो कि साहिबगंज के डीसी है उन्हें समन करके कल बुलाया गया था, वो नहीं पहुंचे थे। इससे पहले बहुत सारे अधिकारी जैसे कि विजय हंसदा मामले में जो साहिबगंज के तत्कालीन जो एसपी थे नौशाद आलम उन्हें भी बुलाया गया था। तो ये तमाम बातों को जो है उसमें जिक्र किया गया है कि उनके खिलाफ क्या कुछ मामले दर्ज है वो राज्य सरकार को नहीं बताया गया है, राज्य सरकार को सूचना नहीं दी गई है कि किस ऑफेंस में जो है उन्हें बुलाया गया है और पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स का भी कहीं ना कहीं ये बात जिक्र हुआ था कि राज्य सरकार को बिना सूचना दिए हुए कोई भी अधिकारी जो है ईडी को अपना जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं सौंपेंगे। और ये सिर्फ ईडी के लिए नहीं है, एनआईए की बात कर ले, इनकम टैक्स की बात कर ले या फिर सीबीआई की बात कर ले, ये तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां हैं सेंट्रल एजेंसियों के समक्ष जो है राज्य के अधिकारी वो प्रस्तुत नहीं होंगे, नहीं जाएंगे जब तक राज्य सरकार की ओर से परमिशन ना मिले। नीरज, अगर पूछा गया है अपराध क्या है तो जैसे अभी रामनिवास यादव हैं तो उनके यहाँ से लगभग 7-8 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे, 25-26 गोलियां बरामद हुई थी, इन गोलियों के बारे भी मीडिया में खबरें इस तरह की आई कि ये अवैध गोलियां हैं, तो उन्हें लेकर ईडी बता सकती है। वही विजय हंसदा और नौशाद आलम का जहां तक मामला है तो इस तरह की खबरें ईडी के अधिकारियों की तरफ से दी गई थी कि नौशाद आलम कहीं ना कहीं उनका टिकट कटाने के मामले में आरोपी हैं, तो इस तरह के कई आरोप हैं, तो लगता है कि अब या तो ईडी को राज्य सरकार को बताना पड़ेगा या फिर विधि विशेषज्ञ सलाह देंगे या फिर हो सकता है कि इस पे आगे विधि विशेषज्ञों से राय लेके दोनों ही एजेंसियां आगे बढ़ें, राज्य सरकार और ईडी और सीबीआई और आईटी भी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये मामला जो है काफी क्लियर है, इससे पहले भी जिस तरह से देखना होगा जिससे समन, देखिए समन जब भी भेजा जाता है उसमें बताया जाता है कि किस मामले में जो है उनसे पूछताछ होनी, हालांकि उसमें पूरा डिटेल नहीं होता है लेकिन ये बता दिया जाता है कि किस मामले में। अगर विजय हंसदा वाला प्रकरण देख ले तो वो प्रकरण पूरा था जिसे कि हम लोगों ने बात की थी इससे पहले भी, जिसमें ये कहा गया था कि नौशाद आलम पर आरोप है कि उन्होंने विजय हंसदा को टिकट करवा कर दिल्ली भेजा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल करना था अवैध खनन से संबंधित मामला था, जिसमें पंकज मिश्रा जो कहीं ना कहीं अवैध खनन से जुड़े हुए होटवार जेल में अभी जो है उससे संबंधित मामला था। उसके बाद नौशाद आलम को समन भी भेजा गया था, इसी मामले में पूछताछ भी हुई थी एक बार और 28 नवंबर को आए भी थे, और उसके बाद जब दोबारा समन किया गया था तो वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे, उनसे तमाम कागजात मांगे गए थे कि उनके पास क्या कुछ संपत्ति है, उनके रिश्तेदारों के पास क्या कुछ संपत्ति है। और अगर बीते दिन की बात कर ले यानी कि 3 जनवरी को जहां की झारखंड
झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के लगभग एक दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और जिसमें साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव भी थे और जो सीएम के प्रेस सलाहकार है, सीएम के करीबी माने जाने वाले विनोद सिंह, कई जगहों पर ठिकाने पर जो है छापेमारी की गई थी और उसके बाद प्रेस सलाहकार और ये रामनिवास यादव जो कि साहिबगंज के डीसी है उन्हें समन करके बुलाया गया था, कल ही बुलाया गया था, वो नहीं पहुंचे थे और एक प्रेस लिस्ट भी ईडी की ओर से जारी किया गया था कि इन ठिकानों से क्या कुछ मिला था, ये भी क्लियर कर दिया गया था कि जो रामनिवास यादव उनके विभिन्न ठिकानों से लगभग 7 लाख रुपए बरामद किए गए थे और अन्य ठिकानों से लगभग 35 लाख रुपए बरामद किए गए थे और जिस तरह से आपने गोलियों का जिक्र किया कि बहुत सारे जो 19 गोलियाँ अलग अलग MM की थी वो मिली थी, तो इस बात का जो है जिक्र किया था, संभवतः इसी मामले में ईडी ने समन किया होगा, लेकिन अब क्योंकि राज्य सरकार की ओर से आपत्ति की गई तो संभवतः ईडी को जो है इस मामले में जवाब देना चाहिए या फिर हो सकता है कि ईडी इस मामले में जो है जवाब दे, तो अब देखने वाली बात हुई कि ईडी इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ लिखित में जवाब देते हैं। बिल्कुल, और रामनिवास यादव के बाद जो सीएम के मित्र माने जाते हैं विनोद सिंह आर्किटेक्ट है, उनके जो प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक सिन्हा, अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू, उन्हें भी बुलाया गया था, लेकिन अब ईडी पूछताछ में वो जाएंगे इसके आसार कम है। देखिए, सीधा सा मामला ये है कि ईडी और राज्य सरकार के बीच सहमत का खेल चल रहा है। सीएम को 7वां सम्मन भेजकर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उसके बावजूद भी जब सीएम नहीं गए तो सीधे सीधे सीएम के करीबी माने जाने वाले आर्किटेक्ट विनोद सिंह और उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू पर सीधे सीधे छापा मारा गया था। उसके बाद राज्य सरकार ने भी बड़ा एक्शन ले लिया और कह दिया है कि आप हमें वजह बताएं तब हमारे अधिकारी जाएंगे पूछताछ के लिए। तो सबसे बड़ी बात अब देखने वाली यह होगी कि ईडी इस पर क्या कदम उठाती है और क्या एक्शन लेती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार जी, नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहां है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।